मार्वल डीसी की सुपर हीरो में जो सबसे अच्छी बात हम सारे फैंस को लगती है वो इनकी पर्सनालिटी। लाइक एग्जांपल के तौर पर बैटमैन की पर्सनालिटी कितनी ज्यादा डाउ, कितनी ज्यादा सिग्मा पर्सनालिटी, वो अपने आप को कितना स्ट्रांग दिखाता है। इवन अ मैन होकर वो एक गॉड तक से फाइट कर लेते हैं जिसके पास गॉड लेवल तक की पावर होती है, लाइक सुपरमैन। और अगर सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन भी कितना ज्यादा पावरफुल है लेकिन फिर भी वो अपनी शक्तियों का अच्छा इस्तेमाल करता है। अब रही बात आयरन मैन की, तो आयरन मैन भी अपने सूट के साथ बहुत कुछ इविल कर सकता है लेकिन फिर भी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी अच्छी आदतों के साथ दुनिया की मदद करता है। कैप्टन अमेरिका, ये सब काफी अच्छी पर्सनालिटी के साथ आते हैं। लेकिन वहीं पे मार्वल और डीसी में कुछ ऐसे विलन्स भी हैं जिनकी पर्सनालिटी तो अच्छी है लेकिन उनके कारनामे बहुत ही बुरे हैं। लाइक एग्जांपल तौर पर हम उनको एंटी हीरोज बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है डेस्ट्रोक। डेस्ट्रोक भी एक एंटी हीरो है डीसी के अंदर। और डीसी के अंदर तो अगर बात कर रही है एंटी हीरोज, हम मार्वल के अंदर देख सकते हैं जो एंटी हीरो सबसे ज्यादा फेमस है वो दो हैं, एक तो वेनम और एक लोकी। ये दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे एंटी सुपर हीरोज हैं। अब ये यहाँ पे अच्छी और बुराई की बात तो हो गई, लेकिन यहीं पे मार्वल के अंदर कुछ ऐसे सुपर हीरोज भी हैं जो गे हैं। ओके ओके, आई नो, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही वियर्ड वीडियो होने वाली है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 4 ऐसे मार्वल के सुपर हीरोज लेकर आया हूँ जो रियलिटी में मार्वल कॉमिक्स के अंदर या मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर गे हैं। तो हे गाइस, एंड एक्सप्लेनर की न्यू वीडियो में आप सभी का काफ़ी ज़्यादा स्वागत है। तो आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फोन नंबर पर आती है ग्वेनपूल। जी हाँ, ग्वेनपूल का नाम सुनकर आपको दो सुपर हीरोज के नाम मिक्स लग रहे होंगे कि शायद ये स्पाइडर ग्वेन है या फिर ये डेडपूल का कोई वर्जन है। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो ना ही ये कोई डेडपूल का वर्जन है, ना ही कोई स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी है। ये एक ग्वेन स्टेसी लड़की नाम की मार्वल के किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में होती है और उसको कुछ पावर्स मिलती हैं, उसको टेक्निक मिलती है और वहीं पर वो लोगों की मदद तो करती है लेकिन उसका अट्रैक्शन ज़्यादातर गे लोगों पर होता है, लाइक जो गे होते हैं, लेस्बियन होते हैं, एलजीबीटी के पीपल पे। तो नंबर 3 पर आता है लोकी। जी हाँ, लोकी का कोई एक अल्टरनेट यूनिवर्स था जिसके अंदर उसने काफ़ी हद तक गे वाली हरकतें करी हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। बिल्कुल वही बंदा, एग्जैक्टली वही बंदा गे था। और यही मार्वल के लाइव एक्शन के अंदर हमने देखा भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। लाइक मार्वल अपने कॉन्टेंट को फ्रेंडली फैमिली क्यों नहीं बनाने लग गया। सो नंबर 1 पर आने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। सो नंबर 1 पर आता है दी वन एंड ओनली डेडपूल। अब आप लोग अचानक से सोच में पड़े होंगे कि फक डेडपूल कैसे, डेडपूल तो बंदियों के साथ खेलों को करता है। लेकिन भाई अगर डेडपूल का अल्टरनेट यूनिवर्स देखो तो उसके अंदर उसने बंदियों के साथ तो बहुत ही कुछ करा है, बैंड बाजे बहुत कुछ अच्छी तरीके से बजाया है, लेकिन वहीं पर उसको कुछ अलग चीज़ें करनी थी, कुछ स्पेशल चीज़ करनी थी, कुछ चेंज करना था अपने आप में, तो बन गया पैनसेक्सुअल। उसने एक विलन के साथ अपना चक्कर चलाया और चक्कर चलाने के बाद उसने बहुत कुछ चलवाया और चलाया। तो ये थे मार्वल के कुछ टॉप 4 गे सुपर हीरोज। आप लोगों को क्या लगता था कि कौन सा सुपर हीरो इस लिस्ट में नहीं आना चाहिए था, मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अपने जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही मार्वल डीसी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए, मूवीज और सीरीज की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।